नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट का फॉर्मूला है RBSE का, जो शिक्षा मंत्री द्वारा कल जारी किया गया था, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपके 10वीं और 12वीं के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो पर बने रहिए एंड तक, और इसी चैनल को जो यूट्यूब पर मेरा बनाया गया है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। लगातार आरटी के पोर्टल से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखिए, RBSE का जो फॉर्मूला नया आया है, RBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट का फॉर्मूला तय किया गया है, इसमें पिछली दो क्लास के नंबरों को आधार बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछली दो क्लास जो है उनको आधार बनाया जाएगा। जैसे 10वीं के अंदर 30% तो और 12वीं में 40% जो 17 अंक होते हैं सेशन नंबर, वो स्कूल के हाथों में होंगे। वो कैसे होंगे वो देखिए, बीकानेर द्वारा कल आदेश जारी किए गए थे। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट तैयार करने वाला फॉर्मूला तय हो गया है। इसको लेकर बनाई गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। इसके तहत बोर्ड के रिजल्ट के लिए पिछले 2 साल की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। अब देखिए, वो आधार कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। 10वीं के मार्क्स ऐसे जुड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट्स के अंक निर्धारण के लिए 10वीं सॉरी 8वीं बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक बार 45% रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट्स 2019 के अंदर 8वीं बोर्ड परीक्षा पास की है, उस परीक्षा का अंक बार 45% बोर्ड ने तय किया है। मतलब आप 10वीं बोर्ड 2019 में जो बोर्ड परीक्षा दी, उसमें जो भी आपके नंबर आए हैं उनका 45%। तो वो कैसे होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। कक्षा 9 में जो मार्क्स हैं उनका अंक बार 25% तय किया गया है, और कक्षा 10 का जो अंक बार है वो 10% है। अभी पहले मैंने बताया था कि 30% जो अंक बार है वो स्कूल वालों के हाथ में है। तो कैसे है कि 20% 17 अंक हो गए, और 10% ये जो विद्यालय समिति है उसके द्वारा ये आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 30% हो गए। देखो, कक्षा 10 के अंक बार का निर्धारण विद्यालय विशेष समिति द्वारा किया जाएगा। 20 अन्य अंक भी स्कूल के 17 अंक हो गए, तो 20 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 30% हो गए स्कूल के हाथ में। तो ऐसे में स्कूल के पास 30 अंक देने का जिम्मा आ गया है। अब 8वीं के उन 3 विषयों के मार्क्स जोड़े जाएंगे जिसमें सर्वाधिक अंक आए हैं। मतलब आपके 8वीं कक्षा में सबसे ज्यादा जिन 3 विषयों में नंबर आए हैं ना, उनके नंबर आपके जोड़े जाएंगे। वो किससे जोड़े जाएंगे? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, किसी स्टूडेंट ने हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान में सर्वाधिक 80, 85 और 90 अंक हासिल किए हैं। मान लो आप हो, आपने कोई भी 3 सब्जेक्ट है, जैसे मान लिया हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान है, उसमें आपने 80, 85 और 90 अंक, इन तीनों अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 255 आ रहा है। अब इस संख्या में 3 से डिवाइड करेंगे तो 85 अंक आएंगे। मतलब औसत निकाल लेंगे, 255 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा, और वो कितना आएगा? 85 अंक आएंगे। उस 85 अंक का 45% आपको इस बार 10वीं में दिया जाएगा। समझ आ गया? तो वो कितना होगा? 38.5 नंबर जोड़े जाएंगे आपके। ठीक है, तो जिनके 8वीं बोर्ड का अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छे नंबर आए हैं, उनके लिए परसेंटेज भी अच्छी आएगी। तो ये नंबर ही उन सभी विषयों में मिलेंगे, फिर सेशनल और सब्जेक्ट कमेटी के सभी विषयों में जुड़ेंगे। अब देखो, सब्जेक्ट कमेटी में आपकी जो स्कूल है ना, उसमें सब्जेक्ट कमेटी बनाई जाएगी। उसके अंदर कौन होगा? आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा, आपके स्कूल का क्लास टीचर होगा, और विषय पढ़ाने वाले टीचर सम्मिलित रहेंगे। मतलब आपका प्रिंसिपल, आपकी क्लास टीचर और आपको जो सब्जेक्ट टीचर है, वो उससे जो सब्जेक्ट कमेटी है उसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। जो सब्जेक्ट कमेटी है वो आपको 10% अंक देगी और 20% 17 अंक देंगे स्कूल वाले। तो ऐसे कुल मिला के आपको 30% जो अंक वो स्कूल द्वारा दिए जाएंगे। अब देखिए, 12वीं में स्कूल देगा 40 अंक। वो कैसे देगा वो देखिए, 12वीं जो कक्षा के जो छात्र है ना, उनके लिए है ये। 12वीं कक्षा के छात्रों का अंक निर्धारण जो फॉर्मूला है ना, कक्षा 10वीं की बोर्ड 2019 में जो प्राप्त अंक है उनका 40% रहेगा। 10वीं के अंदर 45 है लेकिन 12वीं में केवल 40% रखा गया। 11वीं के अंदर 20% रहेगा और 12वीं का अंक बार 20% रहेगा। देखो बच्चों,
ये जो अभी 10% का जो विद्यालय कमेटी जो निर्धारण करेगी ना, वो वर्तमान सत्र के आधार पर होगा। मतलब वर्तमान सत्र में जो भी नवाचार हुए हैं, मतलब जैसे स्माइल टू गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, स्माइल टू, स्माइल थ्री, इसके आधार पर आपको ये 10% जो अंक है ना दसवीं के अंदर वो दिए जाएंगे, और 12वीं के अंदर 20% अंक दिए जाएंगे। तो 20% अंक जो विद्यालय कमेटी है, समिति है, उसके द्वारा दिए जाएंगे। तो वो किसके आधार पे होंगे? नवाचारों के आधार पे होंगे, ठीक है। और 20% आपके हो गए किसके? सत्रांक। तो इस प्रकार से कुल 40 अंक जो है वो विद्यालय आपको देगा। तो सत्रांक का अंक बार पहले की तरह वो 20% है। अब देखो, कक्षा 12 की जो प्रायोगिक परीक्षा है ना, उनके संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन हो चुका है। मतलब ज्यादातर स्कूलों ने क्या किया था कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं ले ली थी। अब मान लो जिन्होंने नहीं ली है, ठीक है, उनके लिए अब क्या होगा कि अनुमति ली जाएगी गृह और चिकित्सा विभाग द्वारा, उसके बाद में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन उन प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हुई है, उनका उनका आयोजन किया जाएगा आने वाले समय के अंदर। अब वो राजस्थान बोर्ड है, उसके लिए आदेश निकालेगी जल्दी। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 10वीं के अंक जोड़ते वक्त तो 3 विषयों के मार्क्स से एवरेज मार्क्स निकाल सभी विषयों में दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे 8वीं का आपका है, तो 8वीं के अंदर 3 विषय लिए जा रहे हैं, तो 12वीं के अंदर भी ऐसा ही होगा कि 10वीं के आपके 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिनमें सबसे ज्यादा नंबर आपके आए हैं। अब देखो, प्राइवेट जो फॉरम जिन्होंने विद्यार्थियों ने भरा है, उनके लिए भी न्यूज है। उनके लिए ये न्यूज है कि जैसे मान लो जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, अगर उस रिजल्ट के अंदर जो विद्यार्थी पूरक आएंगे, मतलब सप्लीमेंट्री आएंगे, उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मान लो कि इस निर्धारण में जो विद्यार्थी है वो जो पास हो गए वो तो हो गए, और अगर मान लो जो पास नहीं होंगे उनके लिए क्या होगा कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखो, समिति की ओर से 3 अंक योजना में पूरक आए छात्रों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी, ये जरूरी है। ये वीडियो जो है मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया है। जो भी आदेश है वो राजस्थान बोर्ड है, उसी के मान्य होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपको नए वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।